हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर को। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम करती हैं इन विट्रो और ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को। सो देखिए, जब स्टडीज की रिएक्टिविटीज की कोऑर्डिनेटेड जो नाइट्रोजन है उसकी कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, तो वहाँ पे हमने देखा कि जो स्ट्रांग बॉन्ड है नाइट्रोजन के अंदर उसको हम क्लीव कर सकते हैं, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं फॉर्म करके जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस है उनको ट्रांजिशन मेटल्स की। यहाँ पे जो नए नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको एक्सटेंसिवली स्टडी किया हमने अंडरस्टैंड करने के लिए नेचुरल जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सिस्टम्स है उसको। ठीक है बच्चों, और ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल्स के होते हैं, स्पेशली जो मॉलिब्डेनम और टंगस्टन है उसके, बिकॉज इनकी रिजेम्बलेंस होती है जो नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसके साथ में, उनको प्रिपेयर किया गया और करेक्टराइज किया गया। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया इन ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ में, इसमें आ जाएंगे एनहाइड्रस HCl HBr H2SO4, और जो कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस है वहाँ से हमें क्या मिलता है, अमोनिया और हाइड्रोजन मिलते हैं वेरिंग यील्ड्स के अंदर। ठीक है, उनकी जो यील्ड है वो अलग अलग है। उसके बाद है यहाँ पे दिस हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो सब्जेक्ट है मोस्ट चैलेंजिंग है केमिस्ट्री के अंदर, बिकॉज यहाँ पे हमें डेवलपमेंट करनी है न्यू केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मेथड्स की, जो प्रोवाइड करी सिर्फ हमें अमोनिया नहीं बट अदर जो ऑर्गेनो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं उनको भी फ्रॉम डाई नाइट्रोजन। तो बहुत सारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो प्रिपेयर हुए एक्सीडेंटली बट नाउ बट बहुत सारे क्या हमारे पास यहाँ पे क्लियर कट रूट्स हैं। उसके बाद है सम ऑफ दीज आर ब्रीफली डिस्कस। तो यहाँ पे हम कुछ को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो हैबर-बोश प्रोसेस से इसे हम सिंथेसाइज करते हैं अमोनिया को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, मोस्ट इकोनॉमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होती है। 1909 के अंदर बच्चों जो जर्मन केमिस्ट थे फ्रिट्ज हैबर, उन्होंने देखा कि जो नाइट्रोजन है एयर से वो कंबाइन कर जाती है हाइड्रोजन के साथ में हाई प्रेशर और मॉडरेटली हाई टेम्परेचर्स में, किसकी प्रेजेंस में, एक्टिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और फॉर्म होती है यहाँ पे लार्ज अमाउंट में अमोनिया, जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे प्रोडक्शन का बहुत सारी जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है उनकी। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, मेटल कैटलिस्ट होगा 200 एटमोसफेयर प्रेशर, टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस। सो ओरिजिनली जो आयरन बेस्ड हाइड्रोजनस कैटलिस्ट है उनको यूज किया जाता था, बट नाउ हम कौन से करते हैं, उनको रिप्लेस कर दिया गया है बाय रूथेनियम बेस्ड हाइड्रोजनस कैटलिस्ट से। तो यहाँ पे आता है टाइटेनियम जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है नाइट्रोजन का, वो ये हमारा बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम डाई नाइट्रोजन, इसको फॉर्म किया गया था बाई फर्स्ट रिएक्टिंग, किसके साथ रिएक्ट करवा के, जो हमारा बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम डाइक्लोराइड है उसको ऑर्गेनो मेटालिक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में, और फॉर्म होता है यहाँ पे बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम। उसके बाद इसको रिएक्ट करवाया गया स्लोली नाइट्रोजन के साथ में, तो यहाँ पे फॉर्म होता है डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स दैट इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम डाई नाइट्रोजन। सो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके अब रिडक्शन होती है टाइटेनियम और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में, यहाँ पे फॉर्म होता है एक बच्चों डार्क कलर का सब्सटेंस। ठीक है, उसके बाद वो लिब्रेट करता है अमोनिया को हाइड्रोलिसिस पे। ऑलराइट, और ये जो डार्क कलर कंपाउंड दैट वाज प्रोबेबली नाइट्राइड। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो टाइटेनियम है यहाँ पे फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसके बाद यहाँ पे टू में आ जाएगा, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन बाइंड कर जाएगी N2, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन के साथ में एंड देन फॉर्म अमोनिया। उसके बाद यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो नाइट्रोजन है जो कोऑर्डिनेट होता है वहाँ पे फॉर्म कर लेता है 2N3 नेगेटिव रिडक्शन से, उसके बाद ये जो नाइट्राइड है रिड्यूस हो जाता है और फाइनली यहाँ पे लिब्रेट होती है अमोनिया। उसके बाद अनदर जो हमारी सिमिलर स्टडी है वहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्सिमम यील्ड होती है 2 moles की पर मोल ऑफ मेटल रिडक्शन से VCl3 दैट इज वेनेडियम ट्राइक्लोराइड लिथियम नेफ्थलाइड के साथ में अंडर प्रेशर ऑफ 120 एटमॉस्फेयर और 20 डिग्री सेल्सियस के यहाँ पे बच्चों टेम्परेचर। सो यहाँ पे जो रिएक्शन है वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है वेनेडियम 3 से वेनेडियम 0 के अंदर रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज क्या हो रही है हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है रिडक्शन, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ऑक्सीडेशन। सो विच मी देन फॉर्म कॉम्प्लेक्स, उसके बाद ही फॉर्म करते कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन के साथ में, जो कोऑर्डिनेट नाइट्रोजन है वो फॉर्म करते उसके बाद नाइट्राइड, और हाइड्रोलिसिस पे नाइट्राइड के फॉर्म होता है यहाँ पे अमोनिया। ऑलराइट, उसके बाद द फर्स्ट जो सिग्निफिकेंट स्टडी थी डायनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस की एंड द कैरेक्टराइजेशन वो किस पे थी, हमारी रूथेनियम कॉम्प्लेक्सेस पे सिंथेसाइज किया था उनको 1965 के अंदर, यूज किया था यहाँ पे हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग और एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, और ये देखा गया कि जो नाइट्रोजन है उसको खुद को ही हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म के साथ में रूथेनियम की। ठीक है, सो इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड दैट नाइट्रोजन इटसेल्फ कुड बी यूज्ड विद द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रूथेनियम। यहाँ पे क्या है, एंड अमोनिया है, ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड है, तो यहाँ पे क्या आ गया, वाटर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, पहले यहाँ पे क्लोरीन था, अब क्या आ गया, यहाँ पे वाटर आ गया है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा N2 जो है डाई नाइट्रोजन वो यहाँ पे आ जाएगी। कलर कैसा होता है इस कॉम्प्लेक्स का, पेल येलो होता है।
सो लार्ज नंबर में हमने देखे अदर जो नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको देखा गया, सिंथेसाइज किए, करेक्टराइज किए. बट जो हमारा मेन इंटरेस्ट रहता है वो कहाँ पे बच्चों, इंट्रैक्शन में मेटल नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस के, रिड्यूसिंग टू कन्वर्ट नाइट्रोजन इंटू अमोनिया, नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर अंडर एम्बियंट कंडीशन, मतलब जो हमारी एटमोस्फेरिक कंडीशन होती है उनके अंदर. और ये ऑब्जर्व किया गया कि जो मोस्ट ऑफ हमारे जो नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेज हैं वो इनर्ट हैं, जैसे कि जो हमारे नाइट्रोजन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनर्ट होती है. सो मोस्ट ऑफ नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेज वर एज इनर्ट एज एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. तो यहाँ पर जो हमारा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर बच्चों फिनिश हो जाता है. अगर आपको कोई भी डाउट आए किसी भी टॉपिक के अंदर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना. इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में.